अखिलेश कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी को नेता माना जाए, लेकिन कोई उनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार की जहां तक बात आती है, उन्होंने इस गठबंधन की शुरुआत करी थी, लेकिन कांग्रेस के प्रवेश के बाद से नीतीश कुमार को किनारे डाल दिया गया है। वो संयोजक बनना चाहते थे, लेकिन इस तरह की जो जूतम पैजार हो रही है, जूतम पैजार शब्दों से हो रही है, अभी शब्दों से हो रही है, और सत्ता कल को वाकई हो जाए। ठीक, बिल्कुल। संयोजक कौन है पिछली मीटिंग? आप अपनी हैसियत देखिए, अभी आपकी हैसियत, आपकी हैसियत जनता ने बता दी है। आज देश के अंदर 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, आज देश के अंदर 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, देश के आधे से अधिक भूभाग में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, देश की आधे से ज्यादा आबादी में भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है, और भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार, एक गरीब का बेटा जिसको आप गाली देते हैं, जिसको आप अपमानित करते हैं, जिसको आप उसके लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जनता ने आपको जो उसका जवाब दे दिया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बात जनता सुनने को तैयार नहीं है। आप एक गरीब के बेटे को नीचा नहीं दिखा सकते, जबकि वो जनता की सेवा कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, देश की सीमा को सुरक्षित किया, आतंकवाद की गड्ढा नहीं होने पाई है, देश को पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है विश्व के अंदर, और आज आज जो है भारत विश्व गुरु बनने की कगार पे, भारत को सभी देश मान्यता दे रहे हैं। ठीक है आलोक जी, अभिषेक राय जी का हम जरा रुक कर लेते हैं, फिर अंकुर साहब के पास भी आऊंगे, आपके पास भी लौटूंगी, अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी, अभिषेक जी, यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता अलाल साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो सम्मान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सहयोगी पार्टी है, तो वो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जो बयान दिया गया उस पर मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग गौर फरमाएं, और जिन सीटों की आपने मांग की उस पर भी उन्होंने कहा कि जवाब आप ही दे पाएंगे। नहीं तो मैंने जवाब तो दे दिया था, मैंने पहले ही जवाब दिया था, हमने कहते ना, हम तो पांडवों की तरह हमने पांच गांव मांगे थे, पांच सीटें मांगी थी, कमलनाथ जी ने क्या बयान दिया ये सबके सामने जग जाहिर है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला वो अपमानजनक बातें हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष होके, एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होके, पूर्व मुख्यमंत्री और लगातार सांसद और विधायक जो होता चला जा रहा है, उसके लिए इस तरह का स्टेटमेंट देना, ये तो बड़ा दुर्भाग्यजनक और हास्यास्पद सा बयान है। वो भी इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जैसे लोग उत्तर प्रदेश के, वो ये बयान दे रहे हैं, तो ये कहते रहे हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और हम उसके प्रमुख विपक्षी दल हैं, 38% मत पाए हैं हम, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई टक्कर दे सकता है तो उसे समाजवादी टक्कर दे सकते हैं, तो इसमें कहां से कौन सी बात है, हम तो जनता के मुद्दे उठा रहे थे। मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में भी ये बात कही थी आपसे, जहां तक अभी हमारे क्या कहते हैं सुहेल देव पार्टी के मित्र कह रहे थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बहुत बड़े नेता है, देखिये मैं उनके बारे में कोई बात टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी कर सकता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे टिप्पणी कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो बात कहेंगे वो अपनी बस स्टैंड पे रहेंगे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पे मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, वो बहुत बड़े नेता हैं, कि हमने चुनाव हराया और जिताया, क्या किया क्या नहीं किया, जो मठ में भेज रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, 6 महीने से इंतजार में है लाइन में कि कब मंत्री बनेंगे, और 6 महीने से अभी लाइन क्लियर नहीं हुई है, कहते हैं ना लाइन में लगे रहेंगे, अभी लाइन क्लियर नहीं हुई है, हो सकता है जल्दी नंबर आ जाए। शिवपाल चाचा ने तो विधानसभा के सत्र में कह दिया माननीय मुख्यमंत्री जी से, बना दो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, इधर आ जाएंगे ये, तो ये सुनील जी, सुनील जी से काउंटर लेते हैं, ठीक है सुनील जी, बहुत बड़े नेता है ओम प्रकाश राजभर, और ये बात कह रहे हैं अभिषेक राय, कब पलटी आ जाए पता नहीं, कहने का तात्पर्य यही है सुनील जी। नहीं नहीं देखिए, अभिषेक राय जी भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उन्होंने स्वीकारा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े नेता हैं, मगर हमारे नेता जी की बात को मानने के लिए अखिलेश यादव जी तैयार नहीं होते थे। अब रही बात कि शिवपाल जी ने क्या कहा, ये शिवपाल जी के बारे में क्या क्या कहते थे, किस तरीके से पत्र जारी कर देते थे, बीजेपी का एजेंट बताते थे, तो अब इनको चिंता हमारी करने की जरूरत नहीं, हम बहुत अच्छी तरीके से गठबंधन में है, हम अपना अनिवार्य है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनील भाई उत्तर प्रदेश से कर लेंगे, मैं धैर्य से सुन लीजिए। ये गठबंधन आपका जो टूटा है, आपके नेता के घमंड की वजह से टूटा है, आपने गठबंधन
तमाम पार्टियों से किया, हमने आपके साथ गठबंधन किया, आपने गठबंधन तोड़ा, हम लोग गलत हो गए और आप गठबंधन करते हैं, आप गठबंधन तोड़ने का काम करते हैं, आप क्या है, आपने किस तरीके से कितनी पार्टियों से गठबंधन किया, आपने तो हमेशा पार्टियों से गठबंधन किया, तोड़ने का काम किया, तो आप खुद देखिए ना कि आप किस तरीके की बातों का काम करते थे। शिवपाल जी के लिए आप क्या बोला करते थे, शिवपाल जी को आप किस तरीके से एजेंट बताते थे, शिवपाल जी को कहा करते थे कि आप जहाँ जाना चाहे वहां चले जाए, पत्र जारी करने का काम करते थे। यार आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, हमारे नेता ने जिसके साथ गठबंधन किया गठबंधन धर्म निभाया, आपके नेता के साथ गठबंधन किया, आपको पूर्वांचल की धरती पर 47 से 111 तक पहुंचाने का काम किया, पूर्वांचल की धरती गवाह है। 2017 में हमने जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया था उन सीटों पर हमने पूर्वांचल में आपको 2022 में जिताने का काम किया। आप ये पीडीए का नारा जो लेकर आए हैं, ये पीडीए ये आपका जब आपकी सरकार थी तब तो आपने पीडीए को हिस्सेदारी दी नहीं, जब तक आपके पास सत्ता था तब तक आपने जनगणना कराई नहीं। ठीक है सुनील जी, ठीक है सुनील जी, ठीक है अभिषेक जी, अंकुर सक्सेना का भी रुक कर रहे थे, हमारे बल पे क्या जीत, ठीक ठीक है अंकुर सक्सेना जी का भी रुक कर लेते हैं। अंकुर जी बहुत देर से जवाब देना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, अंकुर जी बोलेगा जी। शिल्पा जी, आलोक जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो निरंतर मोदी की गारंटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो माननीय मोदी जी की जो गारंटी है केवल उन्हीं प्रदेशों पर लागू होती है जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जीती है? क्या माननीय मोदी जी की गारंटी पंजाब पे लागू नहीं होती, दिल्ली पे लागू नहीं होती, तेलंगाना पे लागू नहीं होती, कर्नाटका पे लागू नहीं होती, जिन जिन प्रदेशों में इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी से अपोजिशन के लीडरान जीत लेते हैं या अपोजिट पार्टियां जीत लेती है, वहां पे मोदी जी की गारंटी लागू नहीं होती? दूसरी बात है, माननीय मोदी जी की गारंटी लागू होती है तो आप ये बताइए किसानों की एमएसपी पर कब मोदी जी गारंटी ले रहे हैं? भाई किसान लगातार धरने पर बैठे, प्रदर्शन पे बैठे, हजारों किसानों का देहांत हो गया, एमएसपी पे गारंटी मोदी जी नहीं ले पाए हैं, एक शब्द एक संवेदना आज तक उन्होंने व्यक्त नहीं की है। और जब इलेक्शन का परिणाम निकलता है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में उसका परिणाम पहुंच जाता है तो माननीय मोदी जी की वाहवाही होने लगती है। आप एक बार बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, पेट्रोल हमारे यहाँ 100 रुपए के रेट पे पहुंचा जा रहा है, डीजल भी हमारा सैकड़े का पा रहा है, आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक जी वृद्धि होती जा रही है, ट्रेनों में जनरल कोच खत्म हो जा रहे हैं, आप ही की बात, रिजर्वेशन वाले कोच खत्म हो चुके हैं, रिजर्वेशन वो भी एसी वाले कोचों की वृद्धि होती जा रही है। अगर इनके पास राजनीतिक हैसियत नहीं है तो हमारी राजनीतिक हैसियत वो है कि आपके अमित शाह इलेक्शन के टाइम में हमारे दम पे खड़े थे, 3 स्टेट में चुनाव लड़ने गए थे, 3 स्टेट आप लड़ने गए थे, बात करने लगे, 0.01% वोट है आपके पास, ये आपको तो बोलने का लहजा नहीं है, डिबेट में बोलने का एक दायरा होता है, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आपके पास है, लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं है, समाजवादी पार्टी आपको उधार का कैंडिडेट देती है, हैसियत की बात कर रहे हैं, आपके पास कैंडिडेट तक नहीं है, हैसियत राजनीतिक दल की होती है, आपके पास राजनीतिक दल की हैसियत है, दोनों चुनाव हार जाते हैं, मैं बैठा हूं, मैं डिबेट में बैठा हूं, खुद की जमीनी मजबूत नहीं है भाई, एक भाव मानव ऊपर राजनीति में तो अटल जी भी चुनाव हारे थे और आप तो हारे हुए को मुख्यमंत्री और हारे हुए को मुख्यमंत्री बना देते हो, जिसने 12 करोड़ घर में हारे को मुख्यमंत्री कैसे बनाया, जनादेश का आपने भारत के आम जनमानस के जनादेश का आपने उल्लंघन किया है, जिसने 11 करोड़ उत्तराखंड में हारे हुए को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जो हार चुके उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बना दिया, तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बोलने से पहले 100 बार अपने औकात देखने चाहिए, सरकार को तोड़ने के लिए वहां पर बयान देने से पहले 100 बार अपनी औकात को देखना चाहिए, औकात है कि नहीं है भारत प्रधानमंत्री के बाले बोने, उनको देश की 52% जनता ने वोट दिया है, जनता की आवाज है वो, आप जनता से बड़ी कोई आवाज नहीं है, जनता से बड़ी कोई चिंता नहीं है, जनता से बड़ा आपके पास भी चलते हैं मोदी जी, चूंकि आप सभी को सुन रहे हैं और जाहिर है इंडिया गठबंधन की जब हम बात कर रहे हैं, हर एक पार्टी ये दावा करती है कि जनता के मुद्दे जो है वो उठा रही है, हालांकि ये जाहिर तौर पर है हर एक पार्टी का निहित भी छुपा होता है उसमें, क्योंकि राजनीति में तमाम पार्टियां तो जाहिर है हर किसी को जीतना भी है, लेकिन ये जो पूरी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से रशाकशी हो रही है, ईगो क्लैशेस जो है वो साफ नजर आता है, यहां पर हर एक नेता जो है वो पोस्टर चिपका देता है, उसके कार्यकर्ता पोस्टर चिपका देते हैं, बात सामने आती है वो प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट करने लगते हैं, चेहरा नहीं है, लोगो नहीं है, संयोजक नहीं है, फिर ये गठबंधन कैसे सर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने पहल की थी एक बार विपक्षी एकता की, चुनाव आते ही क्या हुआ, बिखर गया, चंद्रबाबू नायडू हाशिए पे चले गए, फिर एक बार नीतीश कुमार जी ने कोशिश की जो है महागठबंधन बनाने की जो है,
और अब नीतीश कुमार को कांग्रेस ने हाशिए पे कर दिया है। देखिए जब तक गठबंधन तो आपने बनाया लेकिन गठबंधन के कहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का नहीं पता चल रहा है। जब तक ये गठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की शर्तें निर्धारित नहीं करेंगे और उन शर्तों के अनुसार अपने गठबंधन का संचालन नहीं करेंगे तो देखिए ये गठबंधन कैसे चलेगा। अभी आपने पिछले चुनाव में देख लिया कि वहां पर जो है सपा में और कांग्रेस में मध्य प्रदेश में क्या हुआ, बार बार आपके भी सम्मानित चैनल पर दिखाया गया, सारे सम्मानित चैनल पर दिखाया गया, कितनी तूतू मैं हुई। आपसी तकरार जब तक ये चलती रहेगी तो गठबंधन में दरार क्या, दरारें बन जाएंगी, दरार की तो आप बात छोड़ दीजिए, कई दरारें बन जाएगी। देखिए वास्तव में इनको करना क्या चाहिए कि जो विपक्ष के पास में जो चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा है, मान लीजिए महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा जो ये उठाते हैं और बेरोजगारी का मुद्दा, इसको लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए। विपक्ष का ये काम होता है इन सब चीजों पर इनको चुनाव लड़ना चाहिए, उन सब चीजों की बात नहीं होती है और ये आपस में लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से मुझे तो नहीं लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो 2019 में जो हुआ चंद्रबाबू नायडू के साथ में गठबंधन बिखर गया, ये गठबंधन भी बिखर जाएगा। और जैसा मैंने पिछले डिबेट में भी कहा है कि ये गठबंधन जो है ये आपसी लड़ाई में ये खंड खंड खंडन हो जाएगा, यही होगा। ठीक है हिलाल अहमद साहब, ऐसा तो नहीं खंड खंड खंडर हो जाएगा आपसी लड़ाई में, क्योंकि किसी से छुपी नहीं है, भले ही इस डिबेट में आपने कह दिया हमारे साथी हैं इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, अच्छी बात है अगर मर्यादा आपने रखी है, लेकिन वो मर्यादा जब स्टेटमेंट आते हैं, बयान प्रतिक्रियाएं आती हैं तब नजर नहीं आता है सर। तो ये गठबंधन कहीं ऐसा तो नहीं है जो बात बॉबी साहब कर रहे हैं वैसी कुछ स्थिति इसकी 2024 में नजर आने वाली है? बॉबी साहब ने अच्छी समीक्षा ली की लेकिन आधी, उनको एनडीए के लिए भी कहना चाहिए कि इनका संयोजक कौन है, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कौन सर, वो पार्टी तो जीत हासिल कर रही है ना, आप ये देखिए सर, वो पार्टी तो जीत हासिल कर रही है ना। शिल्पा जी ये बात आपने बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छी बात कही। 2018 में ये तीनों राज्य कौन जीता था, ये 2018 में ये तीनों राज्य कांग्रेस जीती, और कांग्रेस की जीतने के बाद 2019 में कौन जीता, 2019 में जो है वो एनडीए जीती। तो इस वजह से इन राज्यों को लेकर के अगर आप कहें तो हम 2003 से बताएं, 2003 में भारतीय जनता पार्टी जीती, 2004 में कांग्रेस जीत गई, उसके बाद में फिर 2008 में कांग्रेस जीती, भारतीय जनता पार्टी दो जीती, 2009 में जो है वो फिर कांग्रेस जीती, उसके बाद में फिर आप आ जाइए 2018 में भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस जीती, 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो ये चुनाव जो है इनको लेकर के निश्चित रूप से महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन इन चुनाव के जरिए ये कह देना कि कांग्रेस पार्टी हार गई है या कांग्रेस पार्टी हाशिए पे चली गई है या इंडिया गठबंधन जो है वो समाप्त हो गया, ये बहुत जल्दबाजी है और इसका कोई भी तथ्य नहीं है। लोकसभा के चुनाव अलग होंगे, विधानसभा के चुनाव अलग होंगे, और अगर आप इन्हीं चुनाव को आधार मानते हैं तो ये चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा था, ये चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था ना, तो अगर मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था तो इन्हीं विधानसभा के चुनाव को आप जो है वो कन्वर्ट कर दीजिए लोकसभा में, तो जितनी सीटें मोदी जी जीते थे 2019 पे उससे ज्यादा सीटें जो है वो आज की तारीख। ठीक है बॉबी साहब भी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ वो भी कहना चाह रहे हैं, उनसे जरा सुन लेते हैं। जैसे ये बात में कोई दम नहीं है। ठीक है बॉबी जी जरा फटाफट से बोलेगा फिर। देखिए छत्तीसगढ़ का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी को 45% छत्तीसगढ़ को इस बार बीजेपी को 45% वोट मिले हैं, जबकि पिछली बार उसका वोट परसेंट 33% था, और कांग्रेस का पिछली बार जो वोट परसेंट था वो 43% था और अब की घट करके 39% हो गया। तो कांग्रेस का वोट बैंक क्यों लगातार घट रहा है और बीजेपी का वोट बैंक, शायद यही समीक्षा करने की बात है, कांग्रेस को कमियां निकालने की जगह अगर समीक्षा की जाए तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है। कि आप वोटर को राक्षस कहेंगे, हिंदू धर्म एचआईवी है, एड्स है और इस तरीके टिप्पणियां करेंगे तो आप क्या वोट की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए आपको अपनी भाषा बहुत संयमित रखनी चाहिए। ठीक बिल्कुल, लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगी अब आलोक जी बोलेगा। जी बोलेगा, मैं खाली इतना कहूंगा, हिलाल नकवी जी ने इतिहास बताया था कि चुनाव में कैसे हार जीत विधानसभा और लोकसभा में हुई है, लेकिन हिलाल साहब 2018 में हम ये स्टेट तीनों हार गए थे, लेकिन 2019 में हमने आपका खाता तक नहीं खोलने दिया। राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सीटें जीती, 29 में से 28 सीटें हमने मध्यप्रदेश में जीती, और छत्तीसगढ़ में जहां पे हमारे 15 विधायक थे वहां पर हमने 11 में से 9 सीटें जीती।
तो हमारे पास जो नेता है एक अकेला सत्तर भारी है। आपकी हैसियत हो तो अकेले चुनाव लड़ लीजिए, आपको आपकी हैसियत मालूम पड़ जाएगी। जेडीयू पार्टी भी कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की अकेले हैसियत नहीं है लड़ने की, इसीलिए ये प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, समय का अभाव था, माफी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लोकसभा के इलेक्शन भी बहुत दूर नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम पक्षी दल अगर अभी नहीं समझे कि बहुत जरूरत है एकजुट होने की उन्हें, तो शायद जो दावा वो कर रहे हैं उस दावे की हवा निकलती हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आएगी।